अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू होने से पहले वही रोज़ की रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले आज का नया नाश्ता मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का नाश्ता हमारा ये है, चाय भी निकाल लें कप से। रैन, आपका नाश्ता स्टार्ट हो गया। हुसैन हसनैन नाश्ता कर चुके हैं अपनी दादी के साथ, मैं मोहसिन और हुरैन रह गए। ठीक है जी, तो व्यूज मैं निकल रही हूँ घर से किसी काम से, तो हम अपना लॉना व्लॉग आपको वहीं पे देते रहेंगे। हम आ गए हैं हम नीचे, और अब ये जो है बाइक निकाल रहा है। हम आए मेमन हॉस्पिटल हुरैन के जो है डेंटल को दिखाने के। हुरैन के दाड़ों में कीड़े लग गए हैं, तो यहाँ पे हुरैन फिश प्लांट्स के बसा के रुक गई हैं और बहुत खुश हो रही है देख के। हुरैन यहाँ देखो, मैं डॉक्टर तो मिल नहीं सके, तो अब हम यहाँ पर आए हैं जांच वालों के यहाँ रोल समोसे लेने। जांच वाले गाइस, हम घर पे आ चुके हैं और अब जो है चाय बन के साथ रोल समोसे वगैरह ले रहे हैं। थक गए आज। पहले तो हमने टेबल सेट कर ली है, ये सुबह की बिस्किट और केक वगैरह भी निकाल लिए हैं। इसकी पुदीने की चटनी दी है इन्होंने, ये केचप है, ये आलू के समोसे, और ये वेजिटेबल विद चिकन रोल्स हैं, और ये हमारी घर की बनी हुई होम मेड इमली की चटनी है। हसनैन चलो जल्दी से जल्दी जल्दी खा लो, फिर आप लोगों को मदरसे भी जाना है। तो हसनैन जल्दी, हुसैन बैठो। मदरसे से आए तो ये फ्राइज लेते हुए आए, तो इनकी फ्राइज पार्टी है, और ये जो है ना शिफा का देख रहे हैं। आपने खा ली अपनी फ्राइज? रात के 11 बज रहे हैं और अब हुसैन हसनैन जो है ना ट्यूशन पढ़ने बैठ चुके हैं, क्योंकि कल तो छुट्टी है, ओवर टाइम भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कल इन लोगों का पेपर है मैथ्स का। मैंने कहा कल तो हुसैन हसनैन का जो है मैथ्स का पेपर है, तो हसनैन कह रहा है कल तो छुट्टी है, तो ये बात तो सही है कल तो छुट्टी है, पर मंडे को तो है ना। गाइस शाम को जो है समोसे रोल वगैरह खा लिए थे, तो इसलिए भूख नहीं लग रही। अब 1:30 बजे के बाद जो है बच्चों को लग रहा है कि मम्मा कुछ खाने के लिए देते, तो मेरे पास बोनलेस चिकन रखी हुई थी, तो मैंने इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, और इसके जो है अब मैं चिकन के बर्गर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, अदरक लहसुन की बॉटल रख दी डीप फ्रीजर में, और ये फ्रीज हो गया है बहुत, तो मैंने लिक्विड थोड़ा पानी डाला है ताकि थोड़ा नरम हो। फिर आखिर इतनी कोशिशों के बाद निकल ही आया अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपनी चिकन। ये देखें अदरक लहसुन और ऑयल के अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी है। देखें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, समझे ये सब 1-1 टेबल स्पून है, और ये हो गया नमक हसबे ज़रूरत। ये मैक्रोनी जो आजकल बने बनाए मिल रहे हैं, उसके साथ जो मसाला मिलता है वो रह गया था मेरा थोड़ा बहुत, जब भी बीच में मैंने मंगाए थे, तो वो मसाला मैंने इसका ऐड कर दिया। ये बारबेक्यू फ्लेवर था बिल्कुल, इतना सा फूड कलर या जर्दे का रंग जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल, और फिर इसको मिक्स कर लें। कलर जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे जो है आपके खाने की चेहरा जो शक्ल निकल कर आती है वो ऐसे निकल कर आती है कि आपका दिल करता है खाने का। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल कैरी करना और मिक्स करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। देखें इसका कलर, और अभी जब ये बिल्कुल इसका वाटर जो एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन के अंदर, फिर इसका कलर जो है सही वाला निकल कर आएगा। फिर आप देखिएगा कि मैं कलर का क्यों हमेशा बोलती हूँ कि कलर ज़रूर डालें। और अगर मेरे पास अभी ये मसाले था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया, वरना मेरी एक वो है कि मैं कोई भी बाजार के पैकेट के मसाले जो है यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी, समझे एक तरीके से मेरी चिड़ है कि मुझे नहीं करना वो इस्तेमाल, तो इस वजह से आज मैंने जो है ये इस्तेमाल यूँ कर लिया कि चले चिकन का है रेडीमेड जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि इसका तो थोड़ा मसाला थोड़ा है तो अवेलेबल, तो चले कर लेते हैं, वरना अगर मेरे घर में अमूमन मसाले अवेलेबल होते भी हैं तो भी मैं यूज़ नहीं करती। अब यहाँ इसको मैं 20-10 मिनट्स के लिए जो है कवर कर दूँगी, ताकि अच्छे से जो है चिकन जो है पक जाए, कुक हो जाए आराम से। देखें गाइस मेरी चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, और इसका जो वाटर भी है वो बिल्कुल भी पानी इसका सूख चुका है, और मसाला इसने अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया चिकन में, उसका कलर देखें आप लोग। ऐसे यहाँ पे मैंने अपना तवा रेडी कर दिया ताकि मैं बन वगैरह गर्म करूँ, और झटपट जल्दी जल्दी अपने बर्गर रेडी करूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने बन जो है वो गर्म कर रही हूँ,
ये लाए थे बन के, चार बन के पैकेट, क्योंकि मुझे बनाने हैं बर्गर चार, तो उसमें से एक ब्रांड ने जो है सिंपल बन जो है ले लिया है, क्योंकि वो जो है ऐसे बन नहीं खाती, तो एक बन मैंने एक्स्ट्रा मंगाया तो वो ये वाला लिया है। वो कर लिया है मैंने बीच में से कट, और अब मैं इसको कर रही हूँ गर्म। ये हो जाए तो बस जल्दी से मैं फीलिंग वगैरह करूँ, क्योंकि 1:30 बजे स्टार्ट किया था और अब टाइम जो है मेरे ख्याल से 2 बज गए हैं। चलिए ये बन पे मैं लगा रही हूँ सॉस, ये मेरी होममेड सॉस होती है, इसको जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है शेयर करना है। इस टाइम जो है मैं घर में खीरे देख के इतना खुश हुई हूँ कि मैं इस टाइम मेरे पास कोई और वेजिटेबल में खीर, टमाटर वगैरह मेरे बच्चे हैं और मैं भी ज़्यादा शौक से लेती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि अब हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम खीरा जब फ्रिज में से निकला तो मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई कि चलें थोड़ा सा जो है उसमें टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कभी लेट नाइट ऐसा प्रोग्राम बन जाए और कोई चीज़ अचानक से मिल जाए घर में ऐसी जो आप जिसको चाह रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है ना उस चीज़ से। ये मैंने हल्की हल्की सॉस इसलिए इनके ऊपर खीरों पे इस तरह कर रही हूँ ताकि खीरे जो हैं वो निकले नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खाते हुए जो है वेजिटेबल्स जो हैं हमारे जो भी हम सेट करते हैं वो हमारे निकल जाते हैं, खाने में गिरते हैं। देखिए इस तरीके से ये बड़ा बन है, तो इसके अंदर मैं 3 लगा देती हूँ। हम घर में टोटल फैमिली मेंबर्स जो हैं वो 6 हैं, 2 हम मियाँ बीवी और 3 हमारे बच्चे और 1 मेरी सास होती हैं घर के अंदर। तो जो है मौसम बाहर खाना खा के आ चुके हैं, और जो है उरैन जो है वो इस तरीके के अभी स्पाइसेस चीज़ें जो हैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। हुसैन, मैं और हसनैन और उनकी उरैन की उनकी दादी हैं, तो हम लोगों को 4 बर्गर रेडी करने हैं। तो जितनी मैंने चिकन ली है उसके अंदर जो है 4 बर्गर आराम से बन जाते हैं। देखें आप, देखें जहाँ चिकन कम लग रही है अब मैं वहाँ पे ये चिकन अपनी और ताले दे रही हूँ जिधर जिधर मुझे कम लग रही है। जिस तरीके से कराची में महंगाई बढ़ी अचानक से, इस तरीके से होममेड आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए ताकि आप जो है बाहर की चीज़ों को मिस भी करते हैं, तो आप कभी कभी बाहर का खाते भी हैं और फिर कभी आप जो है घर में भी इस तरीके की चीज़ बना लेते हैं। और जब मोस्टली जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों के साथ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का कब मूड क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो आप ये मेरे बर्गर देखें, मेरे बर्गर हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब बस मैं करने लगी हूँ इनको कवर, ये हो गए देखें कवर, ये बहुत यम्मी बनते हैं। ये देखें इसकी एक एक चिकन के ऊपर देखें कलर देखें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। देखें मेरे 3 गोल वाले और 1 लंबे साइज़ में जो है ट्राइंगल साइज़ में, सॉरी रेक्टेंगल साइज़ में जो है वो रेडी हो चुके हैं, और इनको जो है मैं कट करने लगी हूँ। देखें किचन की कैसी तबाही मची हुई है, अभी मैं आके इसकी सफ़ाई करूँगी क्योंकि गर्म गर्म जो है ना ठंडा हो जाएगा, तो बस अभी मैं इसकी सफ़ाई वगैरह करूँगी खाने के बाद। तो देखें ये मेरे हो गए बर्गर रेडी और हम बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे, तो हम खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। बच्चे आ गए हैं यहाँ पे टेबल पे, चलो हुसैन ने फर्स्ट बाइट ले लिया। हुसैन कैसे लगे आपको खा के, पहले सही तरीके से बताओ, ऐसे मुंह में रखते ही बोल देते हैं अच्छे अच्छे, ऐसे थोड़ी होता है। ज़बरदस्त है, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बनाने का, मैंने सोचा था बच्चों को जो हल्का फुल्का खिला के बस जो है ना ख़त्म करें, लेकिन ये ना ज़िद्दी बच्चे हमारे। तो गाइस इन्होंने भी अचानक जम मार ली खाने में, ये गए हुए थे केमिस्ट पे दवाई फार्मेसी पे दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमने इनको भी उठा दिया। बताइए कैसे लग रहा आपको, टेस्ट तो बढ़िया है, कॉफी अच्छी कर रहे हैं, बढ़िया है। ये देखें ये व्लॉग में जो ये बच्चे आ रहे हैं ना इस टाइम, ये हमने लिया है अब रिंग लाइट, और हम रिंग लाइट जो है अब लगा लगा के चेक कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं उसमें अपने आप को देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिंग लाइट जो है वो आ गई है स्टैंड के साथ, क्योंकि हमें जो है ना शॉर्ट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हम ये लेकर आए रिंग लाइट्स। ये हमारा मोबाइल स्टैंड है, इसमें हम आराम से खड़ोगे शॉर्ट्स व्लॉग्स हर चीज़ अपनी बनाएंगे। यूट्यूब पे पहली इन्वेस्टमेंट हुई अब हमारी। इसकी लाइट के जो हैं वो 3 लाइट्स हैं, कि एक लाइट ऑरेंज है, एक ब्लू लाइट में है, इस तरीके से। पाकिस्तान और इंडिया का अभी तक मैच चल रहा है। मैं तो अपनी लेमो लाइट्स लेने आया हूँ। ये रही मेरी लेमो लाइट। इनको लेमनाइज हो रहा है क्योंकि इनको बहुत जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है और बहुत खांसी हो रही है, और उस पर भी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक नहीं बंद कर रहे हैं। अब इनकी बहुत पिटाई लगने वाली है। तो गाइस व्लॉग को करते हैं हम यहीं से एंड, क्योंकि अब हम उन्हें हो गए हैं रात के 3 बज रहे हैं और अब बच्चे भी सोने के लिए लेट गए हैं, अब हम लोग भी लेटने लगे हैं। तो व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।